तो हमारे पास सवाल है कि ये सवाल एक्चुअली हमारे सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी जब गिवन है तो हम लोग क्यों ना इसके ऊपर डिस्कस करें। तो देखो, हम जानते हैं एक चीज, हम एक बात जानते हैं, और वो ये जानते हैं फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला क्या था? एस और टेम्परेचर के बीच में पूछा है ना। हाँ, एस और टेम्परेचर के बीच में हमने क्या रिलेशन देखा था? हम लोग कहाँ कोई देखा रिलेशन, कोई रिलेशन ही नहीं देखा जी, था एस और टेम्परेचर के बीच में। अच्छा हाँ, चेंज इन टेम्परेचर, देखा उल्टा रिलेशन, ऐसा उल्टा, यानी ये जब कम होगा तो वो बढ़ेगा है ना, और वो होगा तो ये घटेगा। बट मैं ये बता रहा हूँ, ये जो रिलेशन निकल के आया है ना, ये इतना आसान रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन इतना आसान नहीं है। ये रिलेशन तब फॉलो होता है जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, एट हाई टेम्परेचर। तो बोलोगे फिर उससे पहले क्या फॉलो होता है, उसके लिए आपको इतना सोचना नहीं है, फिर वो अपने सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ये ग्राफ भी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ठीक है, एट हाई टेम्परेचर ये फॉलो होता है। तो तुम्हारे मन में सवाल आएगा, तो अगर तापमान ज्यादा हम चेंज ना करें, तापमान ज्यादा चेंज ना करें, तो स्पेसिफिक हीट में अंतर ऑलमोस्ट ना के बराबर, ऑलमोस्ट ना के बराबर, यानी रूम टेम्परेचर पे चेंज नहीं के बराबर आएगा। तुम बोलोगे ओके, जब नहीं के बराबर आएगा तो ये तो खैर पहली फुर्सत में निकाल दो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, स्पेसिफिक हीट घट रहा है, बट इतना भी नहीं घटता है, इतना भी नहीं घटता है। तुम बोलोगे ओके, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट घटना चाहिए, ठीक है, बढ़ना चाहिए, चेंज आता है ना। हाँ, चेंज आता है, और ये होगा नहीं, ये आंसर होगा। तो यानी टेम्परेचर जब बढ़ाओगे दोस्त, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ जाता है, एस बढ़ जाता है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऑलमोस्ट ही कांस्टेंट होता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने इसलिए दे दिया कि अगर तुमको कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का दिख जाए तो आप टिक मार के आगे निकल सकते हो, इसके ऊपर आप खर्चा नहीं करोगे, क्योंकि इसके लिए फिर एक न्यू इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा ना, जो सिलेबस में नहीं है तो पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, क्या याद रखना, मैंने शायद इससे पहले बोला था या नहीं मुझे नहीं मालूम, अगर नहीं बोला था तो जान लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, बट ओनली इन द केस ऑफ हाई टेम्परेचर। कब डिपेंड करता है? हाई टेम्परेचर। बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं, ठीक है, अब आओ एक और टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको भी सी से डिनोट करते हैं, लिखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसको भी सी से डिनोट करते हैं, तुम बोलो ओके। ये भी बताने वाली कोई बात नहीं है, तुम बोलोगे हाँ कोई बात वाली बात ही नहीं, इसका फॉर्मूला बस मैं लिख देता हूँ, सी बराबर क्या होगा, तुम बोलोगे ऊपर में आप लिखोगे डेल्टा थीटा, हाँ डेल्टा थीटा, नीचे में क्या लिखेंगे, डेल्टा टी यहाँ पे लिखेंगे, और 1 मोल है तो एन लिखेंगे, मोल को एन से दिखा, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत? ठीक है, तो नहीं, 1 मोल सब्सटेंस का अगर हमको तापमान बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसी को हम लोग, तो तुम बोलोगे ये क्या है, ये हो जाएगा ऊपर में कैलोरी लेना पड़ेगा, नीचे में मोल को, तो खैर मोल मोल को तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर क्या लेना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में, और यहाँ पे ले लेना मोल, ग्राम पर मोल या ग्राम मोल। हाँ ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ बातें करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात, धरती एक या इस पूरे, लिख रहे थे क्या, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले कौन है बताओ, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। तुम बोलोगे ब्रह्मांड को चलाने वाले तो सर विष्णु जी हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉयर किन्हें कहते हैं, किसे कहते हैं, शिव जी को, शिव जी को, और बनाने वाले फॉर्म कौन करता है, ब्रह्मा जी, है ना, बोलोगे हाँ ये, चलो भाई बहुत अच्छा। तो ब्रह्मा जी पानी को जब बना रहे थे तो उसको बोले कि छोटू तुमको मैं एक श्राप देता हूँ,
ना। तो बोले क्या हुआ माई बाप, क्या गलती हो गया? तो बोले गलती हम्म, वलती कुछ नहीं, जीवन अगर धरती पे रहेगा तो वो तुम्हारे इसी श्राप की वजह से रहे। तो बोले अच्छा, तब दे दीजिए क्या श्राप है बताइए। तो वो बोले कि श्राप कुछ इस प्रकार से है, सुनो। श्राप में भी उन्होंने कुछ बातें बताई। क्या बातें थी? उन्होंने बोला कि तुम अगर वाटर हो, तुम अगर वाटर कहलाओगे, तो ओनली एंड ओनली, ध्यान से सुनना, तभी जब तुम 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाए जाओगे। तो इसका मतलब कि पानी का तापमान अब फिक्स हो गया ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, कि अब 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी मिलेगा। तुम बोलोगे सर 100.001 नहीं होगा पानी, 100.001 पानी का तापमान हो ही नहीं सकता। तुम बोलोगे सर -0.001 हो ही नहीं सकता, जीरो मतलब जीरो, ठीक है, 0.0001 भी ऊपर नीचे नहीं, वो क्योंकि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है ना, तो वो चेंज नहीं हो सकता। बोले पानी ने बोला ठीक है सर। आइस, आइस को भी मिला श्राप। आइस को बोले कि भैया तू नेगेटिव में रहेगा और मैक्सिमम तू जा सकता है, तो वो 0 डिग्री, बस उससे ज्यादा नहीं। बर्फ ने बोला भाई थोड़ा सा तो ऊपर दे दो, मतलब प्लस में तो दे दो 0.001। बोले हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, कुछ भी कर ले नहीं होगा, यानी बर्फ हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर पाया जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, बताइए कोई दिक्कत। नहीं, ठीक है, अभी मैं एक सवाल भी दूंगा इस सब। फिर अब आया वेपर का बारी। वेपर समझ रहे हो ना, वास। हाँ ब्रह्मा जी इसको भी दिए श्राप। बोले रामू तू 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही पाया जाए, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस टू अबव, यानी 100 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर। तो तुम्हारे मन में दो तीन शंका उठेगा। शंका ये कि पानी को ब्रह्मा जी जो श्राप दे रहे थे, तो वो थोड़ा लगता है कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज ये हो गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी बना दिया, आइस भी बना दिया, तो क्या रहेगा? पता कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तुम बोलोगे सर एक और कंफ्यूजन हो गया कि पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी बना दिया और 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर भी बना दिया, उसके बारे में भी कर लेंगे डिस्कस, उसके बारे में भी कर लेंगे डिस्कस। तुम लोग बस यस नो बताते चलना कि मैं गलत लिख रहा हूँ या सही लिख रहा हूँ। लिखूँ क्या? बोलो योगेश दादा, क्योंकि इम्पोर्टेंट लिखी क्वेश्चन है। सर। ठीक है, 0.5 डिग्री सेल्सियस वाटर, करेक्ट है इनकरेक्ट है? बोलते चलना। होगा, पॉसिबल है? हाँ है ना, सर। उसके बाद वाला बताओ। ठीक नहीं है, है, है नहीं है, ठीक नहीं है। है। नहीं, नहीं, ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं। वेपर को स्टीम भी कहते हैं, खैर पता ही होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, तो मैं क्रॉस से लिख देता हूँ कौन सा होगा। 0.5 डिग्री सेल्सियस वाटर बिल्कुल हो जाएगा, माइनस में कभी नहीं हो सकता, 100 डिग्री पे हो जाएगा, 100.11 पे वाटर कभी नहीं होगा, आइस 0.1 पे नहीं होगा, नहीं होगा, जीरो पे रहना है इसको, ये हो हाँ जाएगा, हो ये नहीं होगा, करेक्ट? बहुत अच्छा। या तो ये इसको मिल गया था श्राप, ये इसको क्या मिल गया? श्राप। तुम बोलोगे बहुत अच्छी बात है सर, श्राप श्राप मिल गया तो ठीक है। अब जो ये श्राप मिला है ना दोस्त, तो इस श्राप के बाद पानी, बर्फ, वेपर, भाई ये मिलना भी चाहेंगे, अलग अलग तो इनको बना के भेज दिया गया, लेकिन ये मिलना चाहेंगे। तुम बोलोगे हाँ मिलना तो चाहेंगे। तो जब ये मिलना चाहेंगे दोस्त, तब कितना तापमान होगा इनका? तुम बोलोगे हाँ ये तो बात सही है, बताइए कितना तापमान हो जाएगा मिलने के बाद।
टोटल तापमान इनका कितना हो जाएगा ये बताइए। तो ये आइए जानते हैं, उसको जानने से पहले हमें एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा जिसे कहते हैं लैटेंट हीट। क्या कहते हैं? लैटेंट हीट। वो समझ गए तो फिर ये भी समझ जाएंगे। और बहुत सारे बच्चों को इस मिक्सचर वाले में प्रॉब्लम होता ही होता है। आज अगर मैं करवा पाया पूरा तो ठीक, नहीं तो कल ऐसा मैं पढ़ा दूंगा ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम एचसी वर्मा का किताब उठा के सॉल्व कर लोगे, इरोडॉव का सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे तो मैं अच्छा पढ़ाता ही हूँ, मैं खुद का बड़ाई नहीं कर रहा, मतलब इरोडॉव तक का सवाल सॉल्व कर लेते हैं। कुछ कुछ जो टॉपिक नहीं पढ़ाए उसको छोड़ के, क्योंकि मैंने जो टॉपिक नहीं पढ़ाया वो मैं तुमको बता ही दिया हूँ कि कुछ मैंने छोड़ा है। आइए तो हम पहले बात करते हैं लैटेंट हीट का। लैटेंट हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस कंप्लीटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा और वो भी काफी प्यार से। इसको हम लोग कैपिटल एल से दिखाते हैं। ये सब लिखना पड़ेगा। लिख रहे हो ना किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन इज मस्ट। गुणाली हाँ क्या सर, लिखती हो ना? लिख तो रही हूँ। ग्रेट ग्रेट ह्यूमन। चलो अब देखो जरा, जब लिख लोगे तो मुझे बताना, मैं कुछ चीजें भी लिख देता हूँ। कुछ डेटा है, मैं चाहूंगा कि तुम लोग याद ही कर लो। और क्या याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। वैसे इसका वैल्यू गिवन रहता है, बट फिर भी कुछ चीजों को अगर याद कर लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, हो गया, लिख लिया। हाँ चलो तो बोल रहा है कि भैया लैटेंट हीट ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जैसे कि मान लो मैंने मैंने क्या किया कि 1 ग्राम आइस ले लिया। मैंने क्या किया? 1 ग्राम आइस ले लिया। तो इसको हीट करेंगे दोस्त तो क्या ये तुरंत मतलब पानी पानी हो जाएगा क्या? बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं, है ना। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा। भाई पानी, आइस छोड़ो, मैं तो बोल रहा हूँ पानी लो। पानी को गर्म करते हो तुरंत वेपर बन जाता है क्या? तुम बोलोगे नहीं, कुछ देर तो वो पानी अपना वही टेम्परेचर रखता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं बॉयल होते रहता होते रहता है। फिर देखते हैं धीरे धीरे पानी का क्वांटिटी कम हो रहा है, मतलब वेपर में चेंज हो रहा है। हम बोलेंगे हाँ यही होता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अमाउंट जो तुम देते जा रहे हो देते जा रहे हो देते जा रहे हो और टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर लेकर वो अपने अंदर का बॉन्ड को तोड़ रहा होता है। हम बोलोगे हाँ, बॉन्ड टूटेगा और ये अपना फेज चेंज करेगा। ये सॉलिड से अब किस में होने जा रहा है? लिक्विड में। किस में होने जा रहा है दोस्त? लिक्विड में। लिक्विड। बोलोगे ओके ठीक है। तो ये लिक्विड बनता जा रहा है। क्या हो रहा है? लिक्विड बनता जा रहा है। तुम बोलोगे ओके। अब ध्यान से सुनिए, तो इस 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा है, जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा है उसको हम बोलेंगे लैटेंट हीट। लेकिन एक चीज बोल दिया है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तुम बोलोगे मतलब नहीं समझे सर, तो मुझे एक बात बताओ तुम दोनों, लिक्विड क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर रह सकता है? योगेश दादा पॉसिबल है पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है? तुम बोलोगे हाँ, अभी तो आपने पता होता है। क्या बताओ आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है? तुम बोलोगे हाँ होता है, ऑब्वियस सी बात है ना। होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई आइस अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो वो पूरा का पूरा पानी में चेंज हो जाए, और पानी में अगर थर्मोमीटर डाल के रखे हो तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाए तब तक, है ना। तब तक जो एनर्जी तुमने प्रोवाइड किया उस एनर्जी को बोलेंगे लैटेंट हीट। क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट। हाँ उसके बाद तो और एनर्जी देते जाओगे तो इसका तापमान बढ़ता चला जाएगा ना। क्यों, मैं गलत हाँ बोल रहा हूँ क्या?
तब उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी बोलना स्टार्ट करेंगे। क्यों तुम बोलोगे हाँ, तब तो हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री तापमान बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। करेक्ट बताइए। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक नहीं, है, बहुत अच्छी बात। आओ फिर आगे बात करें। तो इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो L के लिए मैं क्या लिखूंगा, L बराबर हो जाएगा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू, सॉरी डेल्टा थीटा अपॉन, इसको मैं क्या लिखूंगा, एनर्जी को क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो थीटा थीटा क्यू जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा थीटा अपॉन में क्या लिख दूंगा, मास। ये मास यूनिट होगा। तुम बोलोगे हाँ यूनिट क्यों लेते हैं, ताकि अगर 1 ग्राम का हमको पता चल जाए, 1 किलो का पता चल जाए, तो 5 किलो का 5 ग्राम का पता कर सकते हैं। क्या कहते हो दोस्त? तुम बोलोगे हाँ तब तो ठीक ही रहेगा ना। तो मैं यहाँ से एनर्जी के बराबर, अच्छा ऊपर में क्या लिखोगे कैलोरी, नीचे में ग्राम लिखोगे। तुम बोलोगे ठीक है, तो मैं डेल्टा थीटा या क्यू बराबर मैं लिख सकता हूँ एम इंटू कैपिटल एल, ये लिख सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे हाँ। ये कौन सा एनर्जी है? ये लैटेंट एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है? लैटेंट एनर्जी, वो एनर्जी जब तुम देते हो और तापमान नहीं बढ़ता, बस फेज चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है। करेक्ट बताइए। करेक्ट, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो इसमें मैं दो चीज लिखना चाहूंगा, वो लिख लो, कि आइस से हम जब वाटर में बनाते हैं कोई चीज को, आइस से वाटर में बनाते, एक मिनट, आइस से वाटर में जब चेंज करते हैं, तो इसका जो लैटेंट हीट होता है, तुम बोलोगे लैटेंट हीट मतलब, तो कैपिटल एल, ये होता है दोस्त 80 कैलोरी पर ग्राम, ये याद रख लो। यानी 1 ग्राम अगर तुम बर्फ लेते हो, ध्यान से सुनना, अगर आपने 1 ग्राम बर्फ लिया और उस 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम पानी बनाना है, 1 ग्राम बर्फ को अगर पानी बनाना है, तो 80 कैलोरी देना पड़ेगा। वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा, वो बर्फ से पानी में चेंज हो जाएगा। अगर स्टीम को चेंज करना है वाटर में, स्टीम को हमें चेंज करना है वाटर में, तो स्टीम को वाटर में चेंज करना है, तो इसके कैपिटल एल का वैल्यू होता है, इसके कैपिटल एल का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 536। कितना होता है? 536 कैलोरी। बट मैं इसको रफ कैलकुलेशन के लिए लिखूंगा 540 कैलोरी पर ग्राम। कोई दिक्कत? तुम चाहो तो लिख सकते हो 536, बुक्स में दिया रहेगा 536, बट तुम 540 कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, तुम बोलोगे सर एक सवाल करके बता देते तो थोड़ा मजा आ जाता है ना, तो आओ एक सवाल तो हम लोग लेंगे, है ना, एक सवाल तो लेना पड़ेगा। ये वैल्यू याद करने का मन है कर लो, नहीं याद करने का मन है मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि सवाल में दिया जाता है, सवाल में दिया जाता है। बट एक दो अगर याद रख भी लोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बताओ। नहीं, हाँ, तो इसीलिए मैंने लिखवा दिया है। बोलोगे वो ठीक है, स्टीम है ना। हाँ स्टीम, हाँ यस, स्पेलिंग गलत है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी, है ना, भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, आइए सवाल लिखते हैं। तुम बोल रही हो ना सवाल लिखने के लिए, लिखते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg आइस फ्रॉम -2 सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसका जो प्रोसेस आपको बताया जाएगा, आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है, चाहे आप जैसे करें बट आपको वही प्रोसेस फॉलो करना। ठीक है, कुछ बुक्स में थीटा की जगह क्यू भी लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चीजें वही मैं समझा रहा हूँ। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भले ही अलग हो सकता है, जैसे मैंने बताया था ना उसमें, किसमें, सरफेस टेंशन में बताया था ना, SRT। बोलोगे हाँ हाँ, याद मुझे आओ। नहीं। रिप्रेजेंटेशन में कोई दुख नहीं होना चाहिए, है ना, सर आप ये कैसे रिप्रेजेंट कर, तो चीजें वही है, चीजें वही। आइए देखते हैं। तो हमको बोला है
कि भैया -25 डिग्री सेल्सियस पे है आइस, हमको बनाना है स्टीम कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस, तो बनाइए। तो देखो इसको बनाने का तरीका जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, ये है आइस, सुनते जाइएगा एकदम, ये है आइस। तुम बोलोगे यस, इस आइस को सबसे पहले तुम चेंज करके आइस ही बनाओ। तुम बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, हाँ, आइस बनाओ, एकदम सही सुन रहे हो। कैसे, तो ये अभी कितना है, -25 डिग्री सेल्सियस, इसको पहले लेके आओ कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। जी तुम बोलोगे ठीक है ले आए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको आप पानी बनाओ, क्या बनाओ, वाटर, तो मैं H2O लिख दूं, चलो वाटर ही लिख, वाटर, वाटर अब कितने डिग्री पे आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे आया, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इस वाटर को तुम क्या बनाओ दोस्त, स्टीम बनाओ, नहीं स्टीम नहीं बनाएंगे अभी, पानी को तो गर्म करके 100 डिग्री पे ले जाएंगे, गलत बोल दी, अभी इसको वाटर ही रहने दो। अब 100 डिग्री पे, 100 डिग्री पे पहुंच गया, तुम बोलोगे यस, जैसे ही ये 100 डिग्री पे पहुंचा अब इसको बना दो स्टीम। स्टीम को कितने पे रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस 100 पे ही, चलो तो इसको पहले बनाओ 100 डिग्री सेल्सियस और इसको अभी 100 पे ही रखना है। तुम बोलोगे हाँ, तो मुझे ईमानदारी से बताते चलना क्या क्या होगा। तुम बोलोगे यहाँ पे सर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे, एक मिनट मैं अलग कलर से लिखता हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने वाली बात होगी, देख लो, तो हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला मैं सी लिख दूँ, तुम बोलोगे हाँ सी वाला यूज होगा, जबकि 0 से 0 पे जा रहा है, आइस से वाटर हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, बताओ तो, फेज चेंज, तुम बोलोगे हाँ, फेज चेंज यानी लैटेंट हीट, कैपिटल एल वाला फॉर्मूला यूज होगा, तुम बोलोगे यस। यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है, सोच के बताते चलो, तुम बोलोगे हाँ। हो रहा यहाँ पे सी वाला फॉर्मूला यूज होगा, जबकि यहाँ पे फिर से फेज चेंज हो रहा है, तुम बोलोगे यस, तो यहाँ पे लैटेंट हीट वाला फॉर्मूला लगेगा, आया ना, बताओ। हाँ तो यानी स्टेप बाय स्टेप हमें अलग अलग फॉर्मूले यूज करके कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में अमाउंट ऑफ हीट कितना देना पड़ा है। बोलो बोलो, ठीक है, तो पहले वाले में कैलकुलेट कर लेते हैं, आओ क्या क्या क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं ना। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg आइस, 1 किलो आइस है भैया, 1 किलो आइस है, तो आओ करते हैं कन्वर्ट। पहला स्टेप, मैं स्टेप 1 लिखता हूं, स्टेप 1, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस वाले आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे ला रहे हैं, तो वहां पे हमको जो क्यू का जरूरत पड़ेगा या फिर थीटा का जरूरत पड़ेगा, चेंज इन थीटा या अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैं डेल्टा हटा देता हूँ, मैं सीधा लिखता हूँ, है ना, ये वन वन वाला कितना पड़ने वाला है। तुम बोलोगे सर आप लगा दो, सी बराबर लगा सकते हैं एम एस, सी बराबर एम एस लगा सकते हैं, बट यहाँ टेम्परेचर गिवन है तो हम लगाएंगे एम एस डेल्टा टी, देखो ना यहाँ टेम्परेचर गिवन है, एम एस डेल्टा टी, तुम बोलोगे ठीक है। तुम बोलोगे एस का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो जिन्हें नहीं पता वो जान ले एस का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, एस का वैल्यू कितना होता है उनको मैं बता देता हूँ, एक मिनट, हाँ तो बच्चों मैं पहले आप कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है ना, तो इसीलिए जब टेम्परेचर गिवन है तो मैं टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, मैं टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, तुम बोलोगे ओके लगा दो आप, ठीक। तो मैं अब तुम्हें बता दूं कि मास कितना है, मास कितना है दोस्त, तुम बोलोगे सर मास तो है यहाँ पे 10 10 का पावर 3 ग्राम लिख दें, 1 kg, हाँ बोलोगे हाँ। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर ये आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो मैं कुछ चीजों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख देता हूँ कहाँ है, इसको तुम नोट कर हाँ लेना, कर लोगे नोट, कर तुमने लेंगे। पहले ही लिखना चाहिए था, कर लो है ना, नोट कर लो, हाँ एस ऑफ आइस ये होता है 0.5 कैलोरी, यानी 1/2, चलो मैं 0.5 ही लिखता, 0.55 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तुम बोलोगे ठीक है ओके। अगर जूल में निकालना चाहते हो तो ये होता है लगभग 2100 जूल पर केजी पर केल्विन,
बट ठीक है ना, अपने को तो कैलोरी से भी निकल जाएगा, बाद में 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या। उसके बाद एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टीम का, ये सब याद कर लेना है, क्वेश्चन में तो वैसे दिया रहता है बट फिर भी क्या दिक्कत है। तो 0.5 कैलोरी है ना पर ग्राम जीरो डिग्री सेल्सियस, तुम बोलोगे ओके। पानी का सबसे ज्यादा होता है एस ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का, ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला याद रखोगे, आइस का देख लो, स्टीम का देख लो, आइस वाटर, सेम होता है। आइस 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 और स्टीम का सेम है, 0.5 0.5, ठीक है सेम। एक्चुअली मैं तुम्हें गलत बता रहा हूँ, स्टीम का थोड़ा सा कम होता है, 0.48, बट ठीक है। तो 0.5 कैलकुलेशन के लिए ठीक है ना, क्या 0.48। हाँ आओ आओ भैया आओ, कैलकुलेट करें बैठ के। तो हमको एस का वैल्यू पता है, मास हमको गिवेन है, डेल्टा टी का वैल्यू पता है ना। डेल्टा टी कहाँ से कहाँ ले जाना है, एस का वैल्यू कितना लिखना है, 0.5 को मैं 1/2 लिख देता हूँ, बोलोगे ठीक है। इंटू डेल्टा टी -25 से 0 लेके जाना है, तो -25 से 0 यानी चेंज कितना होगा, डेल्टा 25, 25 का चेंज आएगा कि नहीं आएगा, कोई कुछ बोलने को हाँ तैयार नहीं, ठीक है। हाँ तो कट कुट खेलो, कितना हो जाएगा, ये 12.5 हो जाएगा, इधर इधर है 1000, 12,500 कितना हो जाएगा भैया, 12,500 कैलोरी। तो मैं 12.5 × 10^3 कैलोरी लिख देता हूँ, ठीक है। तुम बोलोगे यस डन। ये तो स्टेप 1 था। दूसरा स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या लगेगा जल्दी बताओ, फोटो देखो, लैटेंट हीट लगने वाला है, फेज चेंज होगा, ML ML फॉर्मूला, Q बराबर क्या हो जाएगा या थीटा बराबर क्या होगा, ML, तो मैं लिख रहा हूँ θ2 m × L। क्या लैटेंट हीट का वैल्यू तुमको पता है, आइस का कितना होता है, अभी मैंने लिखवाया था 80 कैलोरी हाँ पर ग्राम, मास कितना है 1 kg, तो 10^3 kg, 3 ग्राम। इंटू एल का वैल्यू कितना है योगेश दादा, 80 ग्राम, मैंने बताया था ना पर कैलोरी, 80 कैलोरी सॉरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, तो ये कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है लगभग, सीधा 80 ही लिख दे क्या, या 80 ही लिख देते हैं, 80 × 10^3 सीधा 80 × 10^3 कैलोरी। तुम बोलोगे ठीक है ओके। आ गया हो स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करना है, पानी अपना बन गया, पानी का अब तापमान बढ़ाना है, तापमान बढ़ाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला, एमएस डेल्टा टी फिर से लगा दे, बोलो वही है। MS∆T। M का वैल्यू कितना है, 10^3, यहाँ पे S का वैल्यू चेंज हो जाएगा मृणाली, 1 हो जाएगा, S का हाँ वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 हो जाएगा, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 0 से 100 डिग्री ले जाना है, पानी को कितना ले जाना है, 0 से 100 डिग्री, तो डेल्टा कितना आ जाएगा 100। तो मैं हंड्रेड सीधा लिख देता हूँ, 10^10 × 10^3 लिख दूं, सॉरी 10 × नहीं, 100 × 10^3। तुम बोलोगे आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं 10^3 कॉमन लेकर रखना चाहता हूँ ताकि एडिशन में दिक्कत ना, सबको ऐड करेंगे ना, ठीक θ1 + θ2 + θ3 θ4, ठीक है। अब हम स्टेप 4 पे पहुंच रहे हैं, हमारा पानी कितना डिग्री का हो गया दोस्त, हमारा पानी हो गया 100 डिग्री। अब 100 डिग्री पे फिर से फेज चेंज, फेज चेंज, तुम बोलोगे हाँ, तो कितना ML कैपिटल L, तुम बोलोगे हाँ। M का वैल्यू कितना, M का वैल्यू 10^3, L का वैल्यू कितना, तुम बोलोगे सर पानी से आपने नहीं बताया, आपने बताया था स्टीम से वाटर, आपने स्टीम से वाटर बनाया था, वाटर से स्टीम नहीं बताया था, वही होता है वाटर से स्टीम, वही होता है, उल्टा सीधा एक समान, तो 540 लिख लो। तुम बोलोगे ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 540 × 10^3 कैलोरी, इंटू 10^3 कैलोरी, सबको ऐड कर दो, टोटल टोटल एनर्जी, कितना प्लस 10^3 कॉमन लेके निकाल दे बाहर, अंदर सबको ऐड कर निकाल दो, 540 और 100, 640, 640 में 80 जोड़ दो तो 720, 720 उसमें 12.5 जोड़ दो तो 720 यानी 732.5, क्यों, हाँ तो इनटू 732.5। अब इसको भी चेंज कर देते हैं, तुम बोलोगे हाँ कर दो चेंज, इसको 7.32 कर देते हैं और दो उधर यानी 10^5, 7.325 × 10^5 कैलोरी।
इसको अगर जूल में चेंज करना चाहते हो तो जूल में इतना एनर्जी देना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ा है हमको थीटा वन वाला, यहाँ थीटा टू वाला, यहाँ। तो तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि क्या ऐसा ही चेंज करना हमेशा, हाँ हमेशा आपको ऐसे ही चेंज करना पड़ेगा, ऑलवेज ऐसे ही करना पड़ेगा। याद रखना है कि यहाँ पे किसी तरह का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, नो टेम्परेचर चेंज, पता है ना, लैटेंट हाँ हीट में कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, मैंने अभी बताया है। ये देखो 0 डिग्री सेल्सियस, ये देखो 0 डिग्री सेल्सियस, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 100 डिग्री सेल्सियस, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, बताओ कोई दिक्कत है। नहीं एक सवाल दे ऐसा ही कुछ, बताओ देर एक ऐसा ही सवाल दे, योगेश दादा दे दे एक ऐसा ही सवाल, और हो जाए फिर, लगता है योगेश समझ वो नहीं पाया बड़ी क्या। थोड़ा सा ऊपर ना हाँ एक सेकंड, थोड़ा नहीं नीचे लो। चीजें समझ आई है ना, जब लैटेंट हीट में एनर्जी पूछे तो ML लगाना है, L का वैल्यू किताब में क्वेश्चन में देता है, मैं नहीं दूंगा क्योंकि पानी का मैंने पहले ही बता दिया है 540, स्टीम और पानी का, और आइस और पानी का क्या मैंने बताया 80 बताया है, ठीक है। हाँ और बाकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्टीम और आइस का मैंने बता दिया 0.5, 0.5, पानी का 1 होता है, 1 कैलोरी, सब मैंने कैलोरी में बताया है, और कैलोरी को तुम जूल में चेंज कर लेना 4.2 से मल्टीप्लाई करके। आइए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो अ रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 1 आवर, देन फाइंड हीट रिमूव्ड पर मिनट। कन्वर्ट 100 ग्राम ऑफ वाटर, सही है का? हाँ, एक सेकंड मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूँ, रुको फिर। रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ एकदम सही है, इन 1 आवर, ओके, देन फाइंड हीट रिमूव्ड पर मिनट। हाँ ठीक, सवाल एकदम सही है, बताओ। हिंट इसका समझ लो, मैं बाकी कोई चीज का हिंट नहीं दूंगा, बस हिंट ये है, पर मिनट बोल दिया है ना, तो जो भी एनर्जी आएगा उसको 60 से डिवाइड कर देना, है ना, उसको क्या करना, 60 मिनट से डिवाइड कर देना, 1 घंटा, है ना, क्योंकि तुम कैलकुलेट करोगे 1 घंटा का, क्योंकि दिया है ना 1 आवर दे दिया है, तुम जो कैलकुलेट करोगे वो 1 आवर का आएगा, देख लो ना, तुम जो भी एनर्जी कैलकुलेट करोगे वो 1 घंटे का आएगा, तो 1 घंटे में इतना रिमूव किया, तो उसी को 60 से डिवाइड कर दो तो 1 मिनट में पता चल जाएगा इतना रिमूव किया, करो कैलकुलेट करो, क्या हिंट दे या हम सॉल्व करें या हो जाएगा, नहीं हम कर लेंगे, रुको कर लो कर थोड़ा। लो, स्टेप वाइज स्टेप चलना है, अभी अभी सीखे हो, बक्से में कैद करो कौन सा चीज कितना अमाउंट में है, कहाँ पे है, कैसे चेंज हो रहा है, कौन कौन सा स्टेप्स फॉलो करना है, पूरा सारा सिस्टम में चलना है, अगर स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे आंसर आ जाएगा गलत। हाँ सर। हाँ सबको फॉलो करना है, ओमकार आ गए तुम, तो कब का? 10 मिनट हो गए सर। अच्छा लग रहा है तुमको, फीलिंग गुड, नहीं वो पिछले वाला छूट गया ना सब। अरे कोई बात नहीं, वो सब तो होता रहता है, ये सब बेकार की बातें हैं। रिकॉर्डिंग अच्छा होने तो आपको बताता हूँ क्यों गया था। ठीक है ठीक है, बच्चों जल्दी से सॉल्व कर लो, मैं पानी पी लेता हूँ। पी लो आप पानी। समझा, ओके ओके, योगेश सॉल्व कर लो फिर, ठीक है।
मुझे लगता है रेफ्रिजरेटर कितना 10 डिग्री पे है, जिसको पानी बनाना है, पानी बना रहा है, ठीक है, तो 10 से पहले ये आएगा 0 पे। अच्छा, बर्फ बनाना बना रहा है ना, तो 10 से 0 पे आएगा और 0 से बर्फ बनाएगा। बर्फ को ये नहीं बोला है कि कितना ठंडा करना है, सिर्फ बर्फ बना के छोड़ देगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस। मैं भी सॉल्व करता हूँ, आओ। एक होगा स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस से ये चेंज कर देगा पानी को 0 डिग्री सेल्सियस में, करेक्ट। तो इसमें वैल्यू हाँ आएगा वो कितना होगा, ms delta t। m का वैल्यू कितना है, 100 ग्राम, तो 100 लिखो, इंटू s का वैल्यू पानी का कितना होता है, 1, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 10, यानी कितना हो जाएगा, 1000, 1000 कैलोरी। तुम बोलोगे ओके। अब दूसरा है स्टेप 2, देखें तुम लोग काफी टाइम लगा दिया। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये चेंज हो जाएगा आइस में जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो इसमें थीटा 2 कितना आ जाएगा, ml, सिंपल। m का वैल्यू कितना है, 100, l का वैल्यू कितना होता है, 80, है ना, 80 × 100 कितना हो जाएगा, 8000 कैलोरी। तो टोटल हीट कितना वो रिमूव कर रहा है पानी में से, टोटल हीट रिमूव्ड, ये 8000 प्लस 1000, 9000 हो गया, जो पर आवर कर रहा है, क्वेश्चन में बोला था, है ना, क्वेश्चन में बोला था 1 आवर में बोला, तो इन इन मिनट कितना होगा, 9000 को डिवाइड कर दो, इन मिनट्स 9000, 1 मिनट 9000 डिवाइडेड बाय 60, 60 मिनट्स है ना, कट जाएगा 15 × 90, 150, 150 कैलोरी पर मिनट, 15 × 90 होता है ना, हाँ 150 कैलोरी पर मिनट। क्या कैलकुलेशन में स्लो हो क्या, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? चलो नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।